नमस्कार दोस्तों, कानपुर गुरुजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन की जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम कुछ और नए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, एबीएस का पूरा नाम क्या है। तो एबीएस का जो पूरा नाम है वो है एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। एंटी ब्रेकिंग सिस्टम का जो मुख्य कार्य होता है ब्रेक लगाने पर पहियों को फिसलने से बचाना। तो जैसे कि जैसे ब्रेक लगाए तो उस कंडीशन में पहिए फिसले ना, इसके लिए एंटी ब्रेकिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो ये है एबीएस का फुल फॉर्म। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि डीजल इंजन में कार्बोरेटर कहाँ लगा होता है। तो डीजल इंजन में कार्बोरेटर नहीं लगा होता है। डीजल इंजन में कार्बोरेटर नहीं लगा होता है। कार्बोरेटर का जो कार्य होता है वो पेट्रोल और एयर के मिक्सर को तैयार करना, और ये पेट्रोल इंजन में होता है। डीजल इंजन में कार्बोरेटर नहीं लगा होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में जो है वो कार्बोरेटर नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूल इंजेक्टर पेट्रोल इंजन में होता है या नहीं। तो फ्यूल इंजेक्टर जो है वो पेट्रोल इंजन में नहीं होता है। फ्यूल इंजेक्टर का कार्य होता है फ्यूल को इंजेक्ट कराना, जो कि डीजल इंजन में होता है। डीजल इंजन में क्या होता है कि सक्शन चैम्बर में एयर को कंप्रेस किया जाता है, और एयर को कंप्रेस करके उसे उसमें फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है। तो फ्यूल इंजेक्टर का कार्य डीजल इंजन में होता है, जबकि पेट्रोल इंजन में क्या होता है, उसमें कार्बोरेटर में पेट्रोल और वायु के मिक्सर को तैयार किया जाता है, और फायर चैम्बर में स्पार्क प्लग की सहायता से फायर फायर स्टोक जनरेट किया जाता है। इसीलिए जो है फ्यूल इंजेक्टर पेट्रोल इंजन में प्रयोग नहीं किया जाता है, और कार्बोरेटर का प्रयोग डीजल इंजन में नहीं किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर स्ट्रोक इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो फोर स्ट्रोक इंजन का आविष्कार निकोलस ओटो ने किया था। फोर स्ट्रोक इंजन का आविष्कार निकोलस ओटो ने किया था। फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, इंजन के चार स्ट्रोक में एक कार्यचक्र पूरा होता है, तो उसी को ही फोर स्ट्रोक इंजन कहा जाता है। तो फोर स्ट्रोक इंजन का आविष्कार किसने किया था, निकोलस ओटो ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गतिपाल पहिए का कार्य क्या होता है। तो गतिपाल पहिए का कार्य जो होता है, इंजन की क्रियाओं के एक चक्र में असमान घुमाव घूर्ण के कारण होने वाले गति के उतार चढ़ाव को सीमित करने के लिए गतिपाल पहिए का प्रयोग किया जाता है। गतिपाल पहिया एक ऊर्जा कुंड का भी कार्य करता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक फोर स्ट्रोक इंजन है, तो उसमें चार स्ट्रोक में एक कार्यकारी चक्र पूरा होता है। तो पहले स्ट्रोक में सक्शन होगा, दूसरे में कंप्रेशन, और तीसरे में फायर स्ट्रोक होता है। तो फायर स्ट्रोक के बाद ही पावर जनरेट होती है। तो पहले और दूसरे स्ट्रोक को पूरा करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए क्या होता है, फिर इसके बाद जैसे तीसरे स्ट्रोक में एनर्जी जनरेट हुई, फिर चौथे स्टेप में एग्जॉस्ट होता है, पावर जली हुई गैसें बाहर निकलती हैं। तो एनर्जी तो सिर्फ तीसरे में ही जनरेट होती है, तो उसके बाद की चक्रों में जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए क्या होता है, जैसे तीसरे स्ट्रोक में एनर्जी जनरेट होती है तो ये फ्लाई व्हील क्या करता है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, रिजर्वर एज ए रिजर्वर उसको सेव कर लेता है, और अगले स्ट्रोक के लिए उसमें अगले स्ट्रोक के लिए वो अपनी एनर्जी को इंजन को प्रोवाइड कराता है, जिससे क्या होता है कि आगे के जो स्टेप होते हैं वो हो जाते हैं। इस प्रकार से जो इंजन के अगले स्टेप्स में जो गति का उतार चढ़ाव होता है उसको ये मैनेज करता है, ऊर्जा को रिजर्व करके अगले स्टेप में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गति अधिनियंत्रक क्या है। तो गति अधिनियंत्रक एक ऐसी युक्ति है जो स्वतः ही इंजन में भेजे जाने वाले क्रियाकारी ईंधन को नियंत्रित करके इंजन की आउटपुट को नियंत्रित करती है। इसी प्रकार गति अधिनियंत्रक पेट्रोल इंजन में थ्रोटल वाल्व को और डीजल इंजन में ईंधन पंप को व्यवस्थित रखती। गति अधिनियंत्रक होता है उसे इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं।
तो जो गवर्नर होता है वो इंजन पे जैसे लोड बढ़ता है तो फ्यूल की सप्लाई की मात्रा को बढ़ा देता है। तो फ्यूल की सप्लाई की मात्रा को जैसे ही बढ़ाता है तो जो उसमें एनर्जी, जो पावर होती है वो बढ़ जाती है, पावर जो जनरेट होती है वो पावर बढ़ जाती है, तो उसकी चाल फिर से उसी के आसपास मेंटेन हो जाती है। और इस प्रकार से अगर उस पर लोड कम होता है, इंजन पर लोड कम होता है, तो इसी स्थिति में क्या करता है, फ्यूल सप्लाई की मात्रा को कम कर देता है। और फ्यूल सप्लाई की मात्रा को कम करने से उसकी पावर घट जाती है और स्पीड उसकी जो होती है उसी प्रकार से मेंटेन हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या गवर्नर क्या करता है, उसकी चाल को मेंटेन करता है। लोड अगर बढ़ता है तो फ्यूल सप्लाई की मात्रा को बढ़ाकर, और लोड घटता है तो फ्यूल सप्लाई की मात्रा को घटाकर, इस प्रकार से चाल को नियंत्रित करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीजल इंजन में पेट्रोल का प्रयोग किया जाए तो क्या होगा? अगर डीजल इंजन है उसमें पेट्रोल का प्रयोग किया जाए तो क्या होगा? तो डीजल इंजन में पेट्रोल का प्रयोग किया जाए तो नॉकिंग बहुत अधिक बढ़ जाती है और इससे डीजल डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि डीजल की जो कंप्रेशन रेशो होती है वो काफ़ी हाई होती है और पेट्रोल का जो कंप्रेशन रेशो होता है एज कंपेरिजन ऑफ डीजल इंजन कम होता है। और यदि इसके विपरीत एक पेट्रोल इंजन में गलती से मान लीजिए डीजल ईंधन का प्रयोग कर लिया गया तो क्या होगा? तो उस स्थिति में क्या होगा कि गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि पेट्रोल इंजन में प्रयोग करने पर गाड़ी नहीं चलेगी क्योंकि डीजल का जो प्रज्वलन बिंदु होता है वो अधिक होता है, तो इसीलिए गाड़ी नहीं चलेगी। डीजल का जो कंप्रेशन रेशो होता है वो है 16 से 34 के बीच में होता है, जबकि जो पेट्रोल का कंप्रेशन रेशो होता है वो 6 से 10 के बीच में होता है। तो ये थे कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किया। तो इससे पहले भी एक वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो अगर अभी तक आपने वो वाला भी वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और सभी दोस्तों को शेयर भी कर दें।